गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, जो आपका थर्ड लेसन है, केमिस्ट्री है। तो पहला है आपका नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स जो टॉपिक है। तो नेचुरल फाइबर्स आप जानते हो, दोज फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। वे फाइबर्स जो प्लांट और एनिमल से प्राप्त किए जाते हैं वो नेचुरल फाइबर्स होते हैं, और कोई इसमें साइंटिफिकली इन्वेंशन इसका नहीं हुआ है। ये अर्थ पे प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला फाइबर्स है, जिसको प्राप्त किया जाता है, वो प्लांट्स और एनिमल से प्राप्त करते हैं। और सिंथेटिक फाइबर्स, जिसको आप मैनमेड फाइबर बोलते हो या आर्टिफिशियल फाइबर, ये तीनों चीज एक ही है। सिंथेटिक फाइबर्स, आर्टिफिशियल फाइबर्स और मैनमेड फाइबर्स। तो ये लैब में तैयार किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, मैनमेड फाइबर्स है। सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड एंड आर प्रोड्यूस्ड एंटायरली विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। केमिकल्स की मदद से इसे तैयार किया जाता है। कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हुए सिंथेटिक फाइबर्स के, पॉलिएस्टर। क्या है सिंथेटिक फाइबर्स का, ये तो आप लोग जानते भी होंगे, पॉलिएस्टर है। मोस्ट कॉमन लोग नाम जानते हैं अधिकतर लोग, पॉलिएस्टर, रेयन, और एक है आपका एरिलिक। क्या है एरिलिक, सिक्स एरिलिक रहता है, यहाँ पर जो भी प्रोनाउंसिएशन हो। ये तीन फाइबर्स मोस्ट कॉमन हम लोग जनरली जानते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर्स का क्या होता है, बेटर ड्यूरेबिलिटी। बेटर ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है अच्छा टिकाऊ, है ना, और चीपर, सस्ता होता है बनाने में। किसके कंपेयर में, नेचुरल फाइबर्स के कंपेयर में। नेचुरल फाइबर्स के कंपेयर में सिंथेटिक फाइबर्स ज्यादा ड्यूरेबल होता है ना, चीपर मैन्युफैक्चरिंग होता है, बनाने का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया वो थोड़ा सा सस्ता होता है इसके कंपेयर में, नेचुरल फाइबर्स के कंपेयर में। तो दीज आर एक्वायर्ड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। एक चीज याद रखिएगा, इसको जो प्राप्त करने के लिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट की आवश्यकता होती है। किसकी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की का रिक्वायरमेंट होता है इसको बनाने के लिए। यानी जो भी सिंथेटिक फाइबर्स हम बनाते हैं उसमें हमको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की आवश्यकता होती है। और ये जो सिंथेसिस है रिक्वायर ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग प्रोसीजर, यानी ये बनाने में बहुत ही एक जटिल प्रक्रिया, है ना, तरीके से होकर गुजरना पड़ता है ना, तभी जाके आपका सिंथेटिक फाइबर्स प्रिपेयर होता है, आपको प्राप्त होता है। तो सिंथेटिक फाइबर्स जो बना होता है वो बना होता है पॉलीमर से। दे आर मेड ऑफ पॉलीमर्स से बना होता है। पॉलीमर्स एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है मेनी, और मर का मतलब होता है सिंगल यूनिट, यानी एक यूनिट। तो पॉलीमर रिफर्स टू ए केमिकल सब्सटेंस, ये केमिकल सब्सटेंस है ना, जो मिश्रण है, कंपोज्ड ऑफ मेनी सिंगल यूनिट्स, बहुत सारे सिंगल यूनिट्स का मिश्रण है। और प्रत्येक सिंगल यूनिट क्या कहलाता है, मोनोमेयर। प्रत्येक, यहाँ देखिए, एक एक सिंगल यूनिट है ना, ये सब क्या कहलाता है, एक 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 होगा ये मोनोमर, ये क्या कहलाएगा, मोनोमर। और इसी में हम लोग पढ़ेंगे, इट इज दैट सिंगल यूनिट विच लिंक्स टुगेदर टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन। और जब ये सिंगल यूनिट एक यूनिट से दूसरे यूनिट, दूसरे यूनिट से दूसरे यूनिट, ऐसे करके जब लिंकअप होता है तो क्या हुआ, एक चेन बनाया, एक क्या बनाया, एक चेन श्रृंखला तैयार किया, है ना। अब इसमें आते हैं, एक वर्ड आता है पॉलीमराइजेशन। क्या आता है, पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन एक प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग मोनोमेयर्स, कंबाइनिंग मोनोमेयर्स, यानी कि मोनोमेयर्स आपस में मिल रहे हैं, है ना, टू मेक अ लॉन्ग चेन। क्या बनाता है, एक लंबा चेन, और पॉलीमर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन, यही कहलाता है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, मोनोमेयर्स आपस में जुड़ करके एक लंबा श्रृंखला, एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, पॉलीमराइजेशन। जैसे कि एग्जांपल, मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइलीन, और जिसको आप इथाइन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इथाइन। अब आप लोग हायर क्लास में पढ़िएगा इथाइलीन, प्रोपाइलीन, ये सब है ना, ये सब हायर क्लास में पढ़िएगा, इतना जाने कि इथाइलीन जो होता है ना, ये कार्बन और हाइड्रोजन है ना, इस दोनों का एक चेन सिस्टम होता है, उससे मिलकर बना होता है। कितना कार्बन का मॉलिक्यूल्स होगा, एटम्स होगा, कितना हाइड्रोजन का एटम्स होगा, उससे मिलकर के इसका फॉर्मेशन होता है। और ये आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, पॉलीथाइलीन। क्या बनाते हैं, पॉलीथाइलीन, जिसको कॉमनली साधारण रूप में हम क्या बोलते हैं, पॉलीथीन।
अब समझ गए पॉलीथीन का जो फॉर्मेशन होता है ना, यही इसी पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया के बाद आपका पॉलीथीन का फॉर्मेशन होता है। पॉलीथीन इज द पॉलीमर ऑफ इथाइलीन, यानी कि पॉलीथीन जो है आपका किसका पॉलीमर है, इथाइलीन का पॉलीमर है। समझ गए, दो टाइप्स के पॉलीमराइजेशन होते हैं, एक होता है लीनियर पॉलीमराइजेशन, लीनियर मींस देख रहे हैं ऐसे सीधा जा रहा है लीनियर, और एक होता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमराइजेशन, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमराइजेशन। तो लीनियर एंड क्रॉस लिंक्ड पॉलीमराइजेशन डिपेंड करता है लिंकिंग ऑफ मोनोमियर्स, किस पे डिपेंड करेगा, लिंकिंग ऑफ कितना लिंक है जुड़ा हुआ है मोनोमियर्स के लिंक पे, है ना। When monomers are linked linearly, देखें ये linearly जब linked होता है तो ये क्या कहलाता है, linear polymerization, है ना। और when monomers are cross linked, यहाँ देख रहे हैं cross linked, आप diagram में भी देख सकते हैं cross तो ऐसे ऐसे करके है, cross जब होता है तो ये कहलाता है cross linked polymerization। तो पहले आप समझ गए कि कैसे पॉलीथीन का या सिंथेटिक फाइबर्स का जो फॉर्मेशन होता है एक जटिल प्रक्रिया से होकर गुजरता है, बहुत सारे केमिकल्स यूज होते हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स उसमें यूज किए जाते हैं, उसके बाद एक एक यूनिट जो होता है, एक यूनिट मोनोमेयर कहलाता है, और एक एक यूनिट जब आपस में एक जिससे मिलता है लिंक बनाता है तो एक चेन का फॉर्मेशन होता है, और ये जब लीनियर इस पोजिशन होता है तो ये कहलाता है लीनियर पॉलीमराइजेशन, है ना। और ये हो गया क्रॉस लिंक पॉलीमराइजेशन, आप ये भी समझ गए कि पॉलीथीन किसका पॉलीमर है, है ना। अब आइए टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, कितने प्रकार के सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, तो मैंने पहले ही लिख दिया जैसे पॉलिस्टर, रेयन, एरिलिन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रेयन के बारे में, किसके बारे में, रेयन। तो रेयन आपका फर्स्ट आर्टिफिशियली फाइबर है जिसको लैब ने तैयार किया गया, और इसको लेबोरेटरीज ए फर्स्ट गिफ्ट टू द लूम, लूम मींस का लिम, लूम का मतलब था करघा, करघा जो चलता है, यानी इसका फर्स्ट गिफ्ट माना गया किसको, रेयन को, है ना। ये डेवलप किया गया एज ए लेस एक्सपेंसिव अल्टरनेटिव टू सिल्क फाइबर, जिसके सब्स्टिट्यूट में सिल्क फाइबर के, रेयन जो आया, रेयन किसका सब्स्टिट्यूट मिल गया, हर एक चीज का सब्स्टिट्यूट होता है सिल्क का, सब्स्टिट्यूट ऑफ सिल्क, सिल्क का सब्स्टिट्यूट का सब्स्टिट्यूट होता है, जैसे कि आपको किसी चीज की आवश्यकता है, आप वो चीज नहीं है, उसके बदले अगर वो कोई दूसरा चीज काम कर गया तो आपको सब्स्टिट्यूट मिल गया, ऑप्शन मिल गया है। तो ये इसका सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूट का मतलब यही हुआ जैसे आपको मैंने चाय बनाने के लीफ आपके पास कोई चाय पत्ती नहीं है तो आप उसके बदले में कॉफी पिला देते हैं, तो ये इसका सब्स्टिट्यूट, यही समझिए। तो रेयन है ना सिल्क का सब्स्टिट्यूट, सिल्क बहुत ही महंगा होता है ना, तो रेयन इससे थोड़ा सा सस्ता पड़ता है ना, तो लेस एक्सपेंसिव अल्टरनेटिव टू सिल्क फाइबर, ये आर्टिफिशियल सिल्क भी इसको कहा था, क्या कहा था, आर्टिफिशियल सिल्क। स्टार्टिंग में जो मटेरियल यूज किया था इसको बनाने के लिए, तो इसको बनाने के लिए सेलुलोज लिया जाता है, पल्प ऑफ वुड, वुड का जो पल्प होता है सिल्क का, सबसे ऊपरी परत जो हटाया जाता है उसको पल्प बोलते हैं, एकदम पतला सा होता है, उससे सेलुलोज से ही इसको तैयार किया जाता है। और पहले रॉ मटेरियल, तो ये क्या हुआ, इसका रॉ मटेरियल हो गया, कच्चा पदार्थ हो गया जो नेचुरल सोर्स से प्राप्त करते हैं, इसीलिए इसको सेमी सिंथेटिक भी कहा जाता है। सेमी सिंथेटिक में क्या हो गया, थोड़ा सा नेचुरल भी क्वालिटी आ गया, प्रॉपर्टीज आ गया उसको, आर्टिफिशियल तो है ही इसमें, तो इसीलिए इसको सेमी सिंथेटिक फाइबर्स भी कहा जाता है। और जो नेचुरल फाइबर यूज किया जाता है लेंड्स टू सम प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल फाइबर्स, इसीलिए जैसे ही आप उससे कुछ लीजिए तो क्या हो गया, कुछ ना कुछ तो उसका प्रॉपर्टीज मिलेगा, सिमिलरिटी कुछ ना कुछ तो आएगा, है ना। तो अब यहाँ पे है रेयन है जो नंबर ऑफ एडवांटेज, कुछ एडवांटेज आपको दिया हुआ है, पहला एडवांटेज है किसका, रेयन का एडवांटेज पहला क्या है, लेस एक्सपेंसिव, जैसा कि मैंने पहले बता दिया, कम खर्चीला है किसके कंपेयर में, सिल्क के कंपेयर में, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है और पहनने में आरामदायक होता है। तीसरा आपको है इट ब्लेंड्स वेल विथ अदर फाइबर्स, यानी दूसरे फाइबर से क्या होता है, मिलता जुलता है ये, है ना, पर्टिकुलरली गुहेबॉन्स, इट कैन बी इजिली डाइड, आप उसको आसानी से डाइड कर सकते हैं डिफरेंट कलर्स में, एंड ब्यूटीफुल एंड विविड कलर्स, वही हुआ विविड और डिफरेंट चमकीले रंगों में आप उसको रंग सकते हैं। तो रेयन ऑल्सो फाइंड मेनी कमर्शियल इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक एप्लीकेशंस, यानी कि कमर्शियल हो गया व्यवसायिक, इंडस्ट्रियल औद्योगिक, और डोमेस्टिक मीन्स घरेलू जो आप इसका क्या क्या कैसे प्रयोग में लाते हैं ये आप देखिए पढ़िए इसमें। तो रेयन का यूज होता है ऐसे एप्रल्स, जिसको बोलते हैं परिधान यानी वस्त्र, जिसको आप पढ़ते हैं एप्रल्स, जैसे कि जैकेट बनता है, ट्रैक सूट, स्कर्ट्स, स्लैक्स, ब्लाउज एंड टाइज, ये सब रेयन के बनते हैं, मैंने रेयन से ही ये चीज बनता है ना। फेमिनाइन
हाइजीन प्रोडक्ट्स जैसे कि डिस्पोजेबल डायपर्स कंटेन रेयन। डिस्पोजेबल मीन्स होता है जिसको आप डिस्पोज कर सकते हैं, डायपर्स जानते ही आप कंटेन रेयन। मेडिकल सर्जिकल प्रोडक्ट्स में जैसे क्या क्या, मेडिकल सर्जिकल प्रोडक्ट्स जो भी होता है, मेडिकल सर्जिकल प्रोडक्ट्स का मतलब हुआ ऑपरेशन के दौरान जो प्रोडक्ट यूज होता है उसको बोलते हैं मेडिकल सर्जिकल प्रोडक्ट्स, है ना। टायर्स बनना, बॉलिंग क्या है बॉलिंग बॉल्स, फोटोग्राफिक फिल्म एंड अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स यूटिलाइज रेयन फाइबर्स। तो जैसे कि पहले आपने बता दिया कमर्शियल डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल, ये तीनों क्षेत्र में रेयन का आज के डेट में ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है। वेरियस हाउस होल्ड आइटम जैसे कि फर्नीचर, हाउस सेनेटरी, स्लिप कवर, सीट्स, बेड, बेड क्या है बेड स्प्रेड्स एंड ब्लैंकेट्स आर मेड ऑफ रेयन, ये सभी रेयन के बने होते। तो आपने देखा कि रेयन का क्या एडवांटेज है और रेयन का कहां कहां आज के डेट में कितना यूज है और हम लोग कितने डिपेंड है इस पे भी, है ना। नेक्स्ट आपका फाइबर आता है नायलॉन। क्या आता है नायलॉन, रेयन के बाद आता है नायलॉन। नायलॉन भी आपको मोस्ट कॉमनली सिंथेटिक फाइबर्स है, ये कॉमन सिंथेटिक फाइबर है जिसका यूज वाइडली रूप में यूज होता है, पूरी दुनिया में ज्यादा पैमाने में यूज किया जाता है। बेसिक रॉ मटेरियल यूज टू, इसका जो बेसिक रॉ मटेरियल है मैन्युफैक्चर्ड नायलॉन एंड आर कोल एंड पेट्रोलियम, जिसका यूज होता है कोल एंड पेट्रोलियम का यूज होता है। इसमें कुछ दिया हुआ है नायलॉन का कैरेक्टर क्या है, तो फैब्रिक्स मेड ऑफ नायलॉन डू नॉट क्रीज इजीली। क्रीज इजीली मींस होता है इसे क्रीज चलाते हैं जैसे अच्छे से पूरा, जो आप जैसे आयरन आयरन करते हैं तो सोचते हैं अच्छे से कपड़े बैठ जाता है, आसानी से उसपे वो आयरन काम नहीं कर पाता है। इट इज द मोस्ट इलास्टिक, इलास्टिक वाला नेचर होता है, जितना आप उसको स्ट्रेच कीजिएगा उतना सा फैलेगा वो। स्ट्रॉन्गेस्ट होता है एंड लाइटेस्ट फाइबर होता है, मजबूत होता है, मजबूत के साथ हल्का होता है ना, डाई करना आसान होता है। ये इसका कैरेक्टर है किसका, नायलॉन का कैरेक्टर कहिए या प्रॉपर्टीज कहिए। नायलॉन फाइबर्स डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर, ये वाटर एब्जॉर्ब नहीं करेगा आसानी से एंड ड्राइज क्विकली। ठीक है आप भिगा भी दिए तो तब मिनट, आई थिंक मिनटों में ये विद इन मिनट्स सूख भी जाता है। रिंकल रेजिस्टेंट होता है, रिंकल रेजिस्टेंस का मतलब होता है जैसे कि बहुत सारा कपड़ा, जैसे कोई कपड़ा पहनते हैं तो आपका क्या बनाता है, जैसे मैंने बताया ना आयरन से आप उसको अच्छे से क्या था प्लेट उसको बैठाते हैं कि सही से बैठे, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये रिंकल फ्री होता है, अगर आप ये पहन कर कहीं बैठ भी जाते हैं सो भी जाते हैं तो उसमें सिकुड़न नहीं आएगा, जिसको आप बोलते हैं ऐसे सिकुड़ जाना कपड़ा में, वो फोल्डिंग नहीं आएगा, तो रिंकल रेजिस्टेंट होता है एंड वियर रेजिस्टेंट, है ना। नायलॉन इज यूज इन मेकिंग, क्या क्या यूज है इसका, आप डेली यूज में भी आप इसको समझ सकते हैं, टूथब्रश में, ब्रिस्टल्स में, कारपेट्स में, सॉक्स में, स्टॉकिंग्स, ये सारा चीज़ें, स्लीपिंग बैग्स, वो कुछ ऐसा मीनिंग्स है जो आप डिक्शनरी भी देख सकते हैं, कुछ मीनिंग मेरे दिमाग से भी स्केप कर जाता है ना। ड्यू टू हाई स्ट्रेंथ एंड गुड फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, इसका हाई स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ मीन्स ताकत होता है बहुत ज़्यादा, और गुड फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होता है, फ्रिक्शनल मीन्स क्या होता है घर्षण, है ना, अच्छा होता है उसमें। इट इज ऑल्सो यूज वाइडली फॉर मेकिंग रोप्स, रोप्स भी बनाया जाता है फॉर माउंटेन क्लिपिंग एंड इन पैरासूट्स। अब सोचिए कि किस क्या नायलॉन का कहा जाता है, देखा जाए तो शायद इसमें होगा स्टील के कंपेयर में, इसको कंपेयर स्टील से इसको कंपेयर किया जाता है, सोचिए इसका रॉक बनाया, रोप बनाया जाता है जो माउंटेनियर्स या आप कभी किसी ऊंचाई पे चढ़ते हैं तो वो इसका यूज, इस रस्सी का यूज कर सकते हैं और इसका पैरासूट भी बनता है।